माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ एनएच क्लासेस के साथ। आज मैं आप लोगों को मैथ की पहली क्लास स्टार्ट करूंगा अपने, और मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं आपको पढ़ने हैं। मैक्सिमम चैप्टर्स आपके क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉमन ही है। मैंने कल चेक भी किया था, थर्ड क्लास और फोर्थ और फिफ्थ का तो लगभग सेम ही रहता है। आपका जो फिफ्थ क्लास में है वो कुछ चैप्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है, जैसे कि आपका एक फैक्टर एंड मल्टीपल्स का चैप्टर आ जाता है और परसेंटेज का चैप्टर आ जाता है। एक यूनिटरी मेथड है वो तो फिफ्थ क्लास में भी है और फोर्थ में भी है, कॉमन चीज़ है वो दोनों, लेकिन वो थर्ड में नहीं है। थर्ड में कुछ चैप्टर्स कम रहते हैं। बेसिकली अगर चैप्टर्स देखे जाएँ जो स्टार्टिंग के हैं आपके, बेसिक जो रहता है नंबर्स है, इसके बाद जो फंडामेंटल ऑपरेशन में आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले जो चैप्टर्स आते हैं वो इसमें आ जाते हैं। फ्रैक्शन है आपका, और मनी है, मीज़रमेंट है, इसके अलावा आपके जो रहते हैं डाटा हैंडलिंग है, सिमेट्री है। तो ये सारे चैप्टर लगभग सभी क्लासेस में कॉमन ही हैं। तो हम लोग एक बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलें और तीनों क्लासेस का सिलेबस जो है कवर हो। तो आइए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे नो द नंबर्स। नंबर्स के बारे में हम लोगों को जानना है कि किस तरीके से नंबर्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे नंबर्स बनते हैं और कैसे हम पता करते हैं कि ये नंबर्स बड़ा है, छोटा है, और ये थाउजेंड में जाएगा या ये मतलब कह सकते हैं उसको कि थाउजेंड में रहेगा या लाख में चला जाएगा, करोड़ में, मिलियन में, किस तरीके से बोलते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैथ में डिजिट कितने होते हैं, कितने डिजिट्स से मिल करके पूरी मैथ जो है रची जा सकती। कितना भी बड़े से बड़ा नंबर होगा तो उसमें ये डिजिट्स केवल काम आएंगे। और आपको ये नहीं है कि बचपन से जैसे कि हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि काउंटिंग में हंड्रेड तक, हम सोचते थे कि सौ नंबर मिल गए तो पूरी मैथ निपट गई, लेकिन नहीं होता है। नंबर्स चाहे जितना बड़ा हो, आपकी पूरी मैथ डिपेंड करती है ये दस डिजिटों पे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट ऐसे हैं जिससे आप कितना भी बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हो, उसको फॉर्म कर सकते हो। और इन्हीं से पूरी मैथ जो है, पूरी मैथ में सिर्फ इसके अलावा और कोई भी नंबर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। जो भी होंगे नंबर बनेंगे इसी से। जैसे कि सपोज करो आपने माना 34, अब बोले 34 होता है एक नंबर, तो वो बनता यही है 3 और 4 से, अलग से नहीं बनने आता कि नहीं इससे अलग चला जाए 34 एक अलग नंबर होगा, नहीं। 10 भी यहाँ तक की बनता है तो वो भी आपका 1 और 0 से मिलकर बनता है। इस तरीके से नंबर्स बनते हैं। अब नंबर्स को पता कैसे करते हैं, ये 1 है 2 है 10 100 में है या ये बड़ा है या छोटा है, ये नंबर्स कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा ये चीज़। ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखी है जिसमें आप लोगों को कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है इंडियन और ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल। होता क्या है कि आजकल फॉरेन कंट्रीज़ हों या हमारे यहाँ भी, जो अगर एक बहुत बड़े लेवल की रुपीज़ की बात की जाए तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अब वो इंटरनेशनल लेवल पे काउंट की जाती हैं। कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए इतने मिलियन फंडर रिलीज़ हुआ, कोई भी चीज़ को लेके कहते हैं तो वो मिलियन में काउंट करने लगते हैं, तो वो एक इंटरनेशनल सिस्टम वाला सिस्टम है। हमारे यहाँ के इंडियन सिस्टम में क्या बताया जाता है, इंडियन सिस्टम का मतलब होता है कि जो अपने यहाँ से पौराणिक चल के चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रहता है। कैसे? वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। इसके बाद इसी के जैसे अगर इंटरनेशनल सिस्टम में इसकी बात की जाए तो स्टार्टिंग में सेम ही चलता है। वंस इसमें रहता है, वंस इंटरनेशनल में भी रहता है। टेंस भी सेम है, हंड्रेड भी सेम है, थाउजेंड भी सेम है, 10,000 तक आपका सेम ही चलता है। बदलती चीज़ें हैं यहाँ से आपके 10,000 से, 100,000 सॉरी लाख से। यहाँ पर जब आपका इंडियन सिस्टम में लाख पहुँच जाएगा तब इंटरनेशनल सिस्टम में आप जाएंगे तो आपका वहाँ पर 100,000 आएगा, क्योंकि अपने यहाँ 10,000 की बात चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को 100,000 में भी काउंट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग 10 लाख पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे मिलियन आ जाएगा, फिर करोड़ पे पहुँचेंगे तो यहाँ 10 मिलियन आ जाएगा, और यहाँ 10 करोड़ पे पहुँचेंगे तो 100 मिलियन आ जाएगा। सीधा सीधा है कि जब आप 10 लाख पे पहुँचेंगे तो वहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन में काउंट किया जाने लगता है। अब जैसे कि ये लिखे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ जीरो, इनकी क्या आपके मतलब इस मैथ में क्या मतलब ज़रूरत है? इनकी ज़रूरत आपके जो थर्ड क्लास, थर्ड में क्वेश्चंस हैं और कभी कभी फोर्थ और फिफ्थ में भी आ जाते हैं। और मैंने देखा है कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 में जो स्टार्टिंग है एक्सरसाइज 1.1 उसमें भी यही क्वेश्चन दिए गए हैं और वो सॉल्व होते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों से। यदि आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप तुरंत के तुरंत उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल नॉर्मली। और अभी मैं करके दिखाऊँगा भी। अगर कोई चीज़
कही जाए कि वंस, तो वंस पे माना जाएगा कि आपका वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट लिखा होगा। टेंस की बात की जाएगी तो वहाँ नंबर्स ऑफ डिजिट होंगे टू, जैसे कि वंस का मतलब होता है वन और टेंस का मतलब होता है टेन और हंड्रेड का मतलब होता है हंड्रेड। काउंट करते हैं हम सब डिजिट इनके। वंस में मैंने बोला कि केवल वन डिजिट लिखा होगा यानी कि एक डिजिट है, इसे काउंट किया जाएगा केवल एक डिजिट। टेंस में माना दो डिजिट होते हैं, कैसे होते हैं आप इनको काउंट कर लो अलग अलग, क्योंकि सारे डिजिट्स अलग ही अलग होते हैं, एक और एक दो, टू डिजिट्स हो गए हैं यहाँ पे वन और एक टू। हंड्रेड में थ्री डिजिट लिखे हैं क्यों, इनको काउंट कर लो वन टू थ्री, ऐसे काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से आप जब हंड्रेड मिलियन तक टेन करोड़ तक जाएंगे तो आपके कंटिन्यू ऐसे ही हैं, वंस में वन, टेंस में टू, हंड्रेड में थ्री, थाउजेंड में फोर, टेन थाउजेंड में फाइव, हंड्रेड थाउजेंड में सिक्स, मिलियन में आपके सेवन, टेन मिलियन में एट और हंड्रेड मिलियन में नाइन। ये बदलते नहीं है क्योंकि जब ये चीज़ एक दूसरे के सब इक्वल हैं तो जितना कि यहाँ पे टेन थाउजेंड में डिजिट हैं, यहाँ जितने हंड्रेड थाउजेंड में डिजिट हैं सिक्स, उतने ही लैक में भी डिजिट होंगे सिक्स। अब बात होती है जीरो की, कि जीरो कितने होते हैं। तो जैसे कि ऐसे ही सोच के चल लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर आ जाता है आपका थाउजेंड, फिर आ जाता है आपका टेन थाउजेंड, फिर आ जाता है आपका लैक, फिर आ जाता है आपका टेन लैक, फिर आ जाता है आपका वन करोड़, फिर आ जाता है आपका टेन करोड़। तो इसमें अलग से कुछ नहीं होता है, बस हमने यहाँ नंबर ऑफ जीरो में जो जितने भी जीरो यूज होते हैं बस वो काउंट करके रखे हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया वंस, वन की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, वन मतलब सिर्फ ओनली वन, जीरो नहीं होगा वहाँ पे। टेंस, अब टेंस में हमें पता चल गया कि एक तो वन लिखा जाता है और एक जीरो लिखा जाता है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, ओनली वन। हंड्रेड में टू जीरो, थाउजेंड में थ्री, टेन थाउजेंड में काउंट करते जाइए वन टू थ्री फोर। अब हमें सिर्फ जीरो काउंट करने, और अगर डिजिट्स काउंट करेंगे तो उसके साथ वन को भी दे देंगे। इसी तरीके से ये आपके सारे जीरोस के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है कि नंबर ऑफ जीरोस किस में कितने होते हैं। अब ये मदद कैसे करते हैं आपके क्वेश्चंस में, आप लोग ये जरा देख लीजिए। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि लिखा है कि वन मिलियन इक्वल थाउजेंड, ये क्वेश्चंस हैं क्लास सिक्स का है, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग जरा ये देख लें कि कैसे जीरो का कैसे यहाँ पे यूज़ होगा। जैसे वन मिलियन है तो आपको तुरंत मिलियन पे जाना है, मिलियन मतलब टेन लैख, तुरंत आप जाइए, डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट सेवन हो जाएंगे और जीरो कितने होंगे सिक्स। अब वन मिलियन है तो आपको पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो हैं सिक्स होंगे। अब थाउजेंड में आपको पता है कि जीरो होते हैं केवल थ्री, ओनली थ्री जीरो होते हैं। अब सिक्स जब जीरो आपको बनाने हैं तो इसमें कितने और जीरो की ज़रूरत है, तीन जीरो की और ज़रूरत है, और तीन जीरो की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है इसमें, वन थाउजेंड थाउजेंड। जब वन थाउजेंड थाउजेंड हो जाएगा तो जाके आपका क्या बन जाएगा, ये वन मिलियन के बराबर हो जाएगा। तो ज़ीरो का यूज़ इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर्स बड़े कैसे होते हैं, छोटे कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं और उन्हें हम बोलते कैसे हैं, तो इसी के हिसाब से चलते हैं। अगर हमारा नंबर लिखा हुआ है टू थ्री फोर, अब हम इसे बोलेंगे कैसे, तो हमें उसी के लिए याद करना है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड, फिर लैक, टेन लैक, करोड़, टेन करोड़, और इसी तरीके से ये इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ चलती है। कैसे, आइए देखते हैं इसमें। जैसे अभी हमने ये कहा, और इसी तरीके से इनके नंबर की ग्रेटर और स्मॉलर की पता चलती है। अगर नीचे की तरफ जैसे ही जाएंगे ऊपर की, मतलब बढ़ते जाएंगे नीचे की ओर, वैसे ही नंबर बड़ा होता चला जाएगा, और जैसे ही नीचे रहेंगे उतना छोटा होगा नंबर। जैसे ये लिखा है टेन और ये लिखा है, कैसे पता करेंगे, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड ऐसे पढ़ेंगे ना, पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड आता है, और यहाँ से हमेशा लेफ्ट साइड से आपका काउंट करना स्टार्ट होगा। तो आप काउंट कर लीजिए, तो हंड्रेड यहाँ पे आया, यहाँ टेंस आया, यहाँ वंस आया, तो आप इसको बोल सकते हो तुरंत टू हंड्रेड, और इसको एक साथ बोला जाता है थर्टी फोर। ऐसे बनते हैं नंबर, कि ये हंड्रेड के फॉर्म में है, थाउजेंड के फॉर्म में है, लाख है, मिलियन है, टेन मिलियन है, करोड़ है, क्या है, वो सब आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा। और पूछा आपसे जिस फॉर्म में जाए उस फॉर्म में आपको बताना है। यदि इंटरनेशनल की बात करें तो आपको टेन लाख के बाद मिलियन स्टार्ट कर देना है, लैक पे हंड्रेड थाउजेंड स्टार्ट कर देना, और अगर इंडियन की बात की जाए तो आपको ये है लैक, टेन लैक, करोड़ की बात चलेगी। इस तरीके से आपके नंबर्स जो हैं बनेंगे। अब छोटे बड़े का पता कैसे चलेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया है
कि अगर नंबर लिखा है 23, यानी कि हम लोग केवल टेंस पे ही गए हैं, टेंस तक गए हैं और 100 उसके नीचे आता है, तो नंबर ये बड़ा होगा ना कि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। इसी से हम लोगों को पता चलेगा कि कौन से नंबर बिगर हैं और कौन से नंबर स्मॉलर हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको नहीं आई हैं तो आप हमें बताइएगा कि किस जगह पे आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस चीज़ को दोबारा से आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग ये वीडियो जो है उन लोगों को शेयर ज़रूर करना जो इस क्लास के मतलब पढ़ते हों, आपके रिलेशन में हो सकते हैं वो बच्चे, आपके कहीं पर भी हो सकते हैं, आसपास हो सकते हैं, तो उनको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि वो अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें और वो स्टार्टिंग से मैथ को पढ़ सकें। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे हम लोग, जीरो लेवल से ही चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर उन बच्चों को जरूर ध्यान से कर देना जो इस क्लास में हैं, वैसे आपके रिलेशन में हो, जहाँ भी हो, जितने भी हो, सबको आप लोग शेयर करें। थैंक यू।